हेलो एवरीवन वेलकम टू सक्सेस क्लासेस आई एम गौरव सोइन और आज आपके सामने जो मैं पी एच डी एम फिल एडमिशन नोटिफिकेशन लेके आया आया वो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी की विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है और ये सब हम इसीलिए जानते हैं बिकॉज uh, हमने हायर एजुकेशन में पढ़ा हुआ है ये चीज कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनके चांसलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं ठीक है ठीके? तो ये अपने आप में बहुत ही प्रस्टिजियस यूनिवर्सिटी है इट इज़ इन वेस्ट बंगाल शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में तो इसकी प्रोस्पेक्ट डिटेल में पढ़ता हूँ और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जिससे आप लोग ये डिसीजन ले पाओ कि वेदर आई शुड अप्लाई फॉर दिस यूनिवर्सिटी और नॉट और अगर आप अगर आप यू you नो know, और uh, एलिजिबल हो तो डेफ़िनेटली अप्लाई करो बिकॉज अपने आप में बहुत प्रस्टिजियस यूनिवर्सिटी है अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो इसका डिस्क्रिप्शन जो है होम पेज का मैंने uh, दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको क्लिक करके आप फिल कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिर उस आ जाते हैं मेन मेन कंटेंट पे आपके सामने ये बोर्ड लेटर से नज़र आ रहा है कि जो एप्लीकेशन है उसकी डेट स्टार्ट हो चुकी है 10 अगस्त 2020 और एंड हो रही है फिफ्टीन सितंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी चाहे वो यू जी हो चाहे वो पी जी हो चाहे वो सर्टिफिकेशन कोर्स हो एम फिल हो पी एच डी हो या कोई डिप्लोमा कोर्स हो तो सबकी जो है ये कॉमन डेट्स हैं बहुत बड़ी प्रोस्पेक्टस है मेन मेन चीज़ें मैंने पूरी प्रोस्पेक्टस पढ़ ली है सारी आपको मैं बताने वाला हूँ अदर इंफॉर्मेशन ये दी हुई है और फैसिलिटीज़ की आप पढ़ सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन लाइब्रेरी की आप पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो हॉस्टल अगर कोई लेना चाहता है तो पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है कि हेल्थ केयर और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ क्या कितना पेमेंट करना है लेट नहीं आना है सेवेंटी फाइव परसेंट अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए फीमेल स्टूडेंट्स के लिए आपका गाइडलाइंस है अब ये आपको दी हुई है फीस जैसे ये दी हुई है आपको अंडर ग्रेजुएट यू नो सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ की ये दी है पोस्ट ग्रेजुएशन की ये पोस्ट ग्रेजुएशन की दी हुई अपन मेन अपने में आते हैं ये है आपकी एम फिल की है ना थोड़ा सा आपको ये रोटेट करना पड़ेगा अगर मैं देखूँ तो एम की फर्स्ट ईयर की दी हुई है आपको बारह हज़ार जनरल ओ बी सी एंड ई की ऐसे पीएचडी कोर्स की अगर आप ह्यूमैनिटी सोशल साइंस और संगीत फ़ाइन आर्ट्स से बिलोंग करते हो जनरल एस जनरल ओ बी सी ई डब्ल्यू एस हो तो पंद्रह हज़ार साठ रुपए और अगर आप साइंस एंड एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करते हो तो आपको पे करनी पड़ेगी सोलह हज़ार दस रुपये अगर आप जनरल ओ बी सी एंड ई डब्ल्यू एस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ठीक है तो ये आप देख लीजिएगा बहुत लोगों को ये कांस्टेंट भी होता है कि आ, कितनी फीस हमें पे करनी है टोटल अपने यू नो टाइम पीरियड में तो आप देख सकते हो इसका वैसे आगे जा कर के आपको बताऊँगा मिनिमम थ्री ईयर्स बताया गया है कि यू नो पी में आपके लगेगा और मैक्सिमम भी आपको मैं बताऊँगा कितना लगने वाला है ये गाइडलाइंस हैं यू जी सर्टिफिकेशन डिप्लोमा कोर्स की इससे अपने को कोई मतलब नहीं है अपन आ जाते हैं एम और पी में डायरेक्ट एम फिल में अगर मैं देखूँ उसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ सबसे पहली चीज़ जो ये है वो सब में कॉमन होती है कि पचपन परसेंट फिफ्टी फाइव परसेंट आपके मास्टर्स में होने चाहिए अगर आप अदर देन एससी, एसटी, ओबीसी या फ़िज़िकली हैंडी कैप्ट है और अगर आप सपोज़ एसटी, एससी, ओबीसी या फ़िज़िकली हैंडी से बिलोंग करते हैं तो फिफ्टी परसेंट आपका मास्टर्स में होना ही चाहिए इसके बाद अगर आपने एम क्लियर किया हुआ है पचपन आपके एम में मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो या फिर आपने इक्वलेंट टू तो, अगर मैं फोर्थ पॉइंट देखूँ अगर आपने इक्वलेंट टू तो एम किया हुआ है और इन एनी इंडियन इंस्टीट्यूशन या फॉरन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसका एग्रीडिशन असमेंट एंड एक्रेडिशन एजेंसी ने दिया हुआ है तो भी आप यहाँ पर विश्व भारती यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो अब जो मेन चीज़ें आ जाती हैं कि सर कौन कौन एग्ज़ाम थे एंट्रेंस टेस्ट में मैं बता देता हूँ अगर किसी ने यू जी सी नेट यू जी सी नेट जे आर एफ सी एस आई आर नेट सी एस आई आर नेट जे आर एफ स्लेट केट या टीचर फैलोशिप की हुई है वो एग्ज़ाम है एंट्रेंस टेस्ट से इसके अलावा जिन लोगों ने एम फिल विश्व भारती से की हुई से या विश्व भारती से एफिलिएटेड या रिकोगनाइज यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन से की हुई हैं वो भी एग्जाम हैं एंट्रेंस टेस्ट देने से इसके अलावा अगर किसी ने अपने एम फिल डिज़र्टेशन एवेलुएट करने को दी हुई है और सबमिट uh, वगैरह की हुई है पर अभी उसका बाई बाई वो स्पेंडिंग है तो वो अप्लाई कर सकते हैं और उनका भी एंट्रेंस जो है वो एग्जाम होगा ठीक है इसके अलावा अगर मैं देखूँ फिफ्टी परसेंट मार्क्स आपके जो फिफ्टी परसेंट जो आपके मार्क्स हैं ये आपके रिसर्च मेथोलॉजी के क्वेश्चन से आएंगे फिफ्टी परसेंट जो होगा आपका सब्जेक्टिव होगा इंटरव्यू वगैरह होगा आपका ड्यूरेशन दिया हुआ है मिनिमम थ्री और मैक्सिमम सिक्स ईयर्स ठीक है इसके अलावा वेन्यू वगैरह आपको दिया हुआ है ये आपको वेबसाइट से पता चल जाएगा और रिजर्वेशन सीट्स भी यहाँ पर अप्लीकेबल हैं एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्बू एस के लिए डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए भी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है पहले तो ये बता दीजिए जनरल ओ बी सी एंड ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट की फर्स्ट सब्जेक्ट अगर उनका एक अगर फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं तो एक हज़ार है और जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना सी यू सी टी में एडिशनल सब्जेक्ट अगर आपको एडिशनल uh, सब्जेक्ट में अगर आपको अप्लाई करना चाहिए किसी की जो है एक से ज़्यादा मास्टर्स में होता है और वो दो तीन यू you नो know, प्रोग्राम्स में अपना वो कराना चाहता है एप्लीकेशन फिल करना चाहता है तो उसको एडिशनल फोर हंड्रेड जो है पे करने पड़ेंगे मतलब एडिशनल सब्जेक्ट अगर आप ऐड करना चाहते हो मोटा मोटी मैं आपको बता दूं तो चार सौ रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे जैसे सी यू सी टी में था सेम चीज़ यहाँ पे तो भी एप्लीकेबल है और अगर आप एस सी एस टी एन पी डब्ल्यू डी से बिलोंग करते हो तो तीन सौ रुपये आपको देना पड़ेगा सिंपल अगर एडिशनल आप सब्जेक्ट ऐड कराना चाहते हो कि आप इसमें भी स्पेशलाइजेशन आपकी है और आप इसमें भी आगे जा कर के अपनी एम फिल पी एच डी करना चाहते हो तो डेढ़ सौ रुपये आपको और पे करना पड़ेगा लास्ट डेट बता दिया पंद्रह सितंबर है और नो कैश पेमेंट विल बी अलाउड बैंक चालान से इसका भी पेमेंट होगा अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो कि काफ़ी यू नो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे ये यह जो इतनी बड़ी आपको दिख रही है प्रॉस्पेक्टस इसके अंदर किस तरीके से जो है सीट्स आपको पता चलेंगी तो आगे जाकर के परेशानी होगी यहाँ पे इसे भाषा भवन दिया हुआ इसके अंदर दिया हुआ है आपको इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस लिटरेचर एंड कल्चर इसमें एक पर्टिकुलर कोड दे दिया है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दे दिया है उसके अंदर पूरी दी हुई है यू की दी हुई है उसके बाद दी हुई है आपको पी की दी हुई है और आगे जा करके के एम फिल की दी जैसे कि आपको यहाँ बता दिया कि एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आपका ऊपर दिया हुआ था और उसके अंदर यहाँ पे बंगाली है तो जनरल कैटेगरी की पाँच सीटें हैं ओबीसी की तीन हैं ऐसे आपको यहाँ पे देखना है ठीक है इसके अलावा अगर मैं आगे जाके बताऊं आपको तो ऐसे करके आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है सारी चीज़ें सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में भी दिया हुआ है एक और मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप लोग और क्लियर हो जाए तो ऐसे आपको ढूंढना है नहीं तो आपको सीट्स वगैरह नहीं मिल पाएंगी ठीक है जैसे विद्या भवन की अगर मैं बात करूँ विद्या भवन के अंदर वो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस मतलब दोज़ कैंडिडेट्स हु बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस उनका फिर पूरा दिया हुआ है यू दिया हुआ है पी दिया हुआ है सर्टिफिकेशन डिप्लोमा एनकिल पी इनका भी दिया हुआ है मिनिमम तीन साल है और मैक्सिमम इसमें दिया हुआ है आपको छः साल ठीक है तो इस तरीके से आपको जो है देखना है और यहाँ पे एंड्रोपोलॉजी वगैरह की सीट्स वगैरह दी हुई हैं ऐसे करते करते आपको इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मिल जाएगा एक बार पूरा मैं आपको बता देता हूँ प्रोस्पेक्ट है जिससे uh, मुझे भी सैटिस्फेक्शन हो जाए कि मैंने पूरी डिटेल चीज़ें करवा दी और कोई चीज़ मुझसे मिस नहीं हुई है यहाँ पर पी का निकला है साइंस और बाकी डिपार्टमेंट्स का जैसे म्यूजिक डांस दिया हुआ है ड्रामा इसकी भी आप लोग को ऐसे ही करना है पीएचडी में देख रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ाइन आर्ट्स हो गया कोड फाइव में ऐसे आपको इंस्टीट्यूट ऑफ फ़ाइन आर्ट्स जो है देखना है इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन है ना ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग फिर मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि सर ये वाली डिपार्टमेंट में यहाँ पर सीट सैकेंड है या नहीं तो आपको मेन बता दूँ अगर तो आपको भी देखना नहीं पड़ेगा कि आपकी है कि नहीं यहाँ पे डिपार्टमेंट में वैकेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर की है यहाँ पे ठीक है पीएचडी उसके बाद दी हुई इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की कोड एट है उनका बीएड और बाकी चीज़ें दी हुई हैं एम और पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी एजुकेशन से अगर कर कोई करना चाहता है डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़िज़िकल एजुकेशन है यहाँ पे वो भी कैंडिडेट्स फिजिकल एजुकेशन वाले भी कर सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है यहाँ पे ठीक है आप इसको भी पढ़ लीजिएगा क्या पता कोई वेरिएशंस हो तो आप एक बार देख लीजिएगा ज़रूर इसकी पी एच दी उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ़ योगिक आर्ट एंड साइंस है अगर आप योगा और साइंस वगैरह से बिलोंग करते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन कोड नाइन है इसका तो यहाँ पे भी वैकेंसी निकलिए सारे डिपार्टमेंट्स की रीट रीड कर देता हूँ मैं एक बार इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे उसके बाद कौन सी है इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ इनफॉर्मेशन है ठीक है वो देख सकते हैं और आगे जाए एडमिशन गाइडलाइंस दी हुई है ठीक है एडमिशन गाइडलाइंस में इसमें आपको देखो डॉक्यूमेंट्स तो भी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी थी फोटो कॉपीज ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ये पीछे दिया हुआ है है ना आप लोग आगे आगे से देखते हुए पीछे दिया हुआ कुन तो है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच होने चाहिए हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड उसके बाद अफिक्स योर रिसेंट फोटोग्राफ फोटोग्राफ होनी चाहिए और रिलीवेंट सर्टिफिकेट डिग्रीज जो भी हैं मास्टर्स वगैरह की सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए वो वो आपको करना है मार्कशीट होनी चाहिए अदर देन मार्कशीट्स डिग्रीज इन अ लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश शुड गॉट बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड अ कॉपी ऑफ द सेम ड्यूली अटेस्टेड शुड भी अटैच्ड उसके बाद सबमिशन ऑफ फॉर्म दिया हुआ है किस तरीके से आपको सबमिट करना है सलेक्शन प्रोसेस यहाँ आपको दिया है आप देख सकते हैं इसको भी कि किस तरीके से सलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे होगा और एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ ट्रांसफ़र और हॉस्टल्स वगैरह के तो मैंने आपको डिटेल बता दी तो इसी के साथ जो है आपका टोटल uh, जो प्रोस्पेक्टिव है मैंने आपको बता दिया एक बार पूरा आप लोग रीड कर लीजिएगा और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि uh, आगे जा करके क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये बोल रहे थे कि सर एम सी क्यूज़ की uh, सीरीज़ चालू करिए स्पेसिफिकली ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी जिसका वेटेज फिफ्टी परसेंटेज होता है तो बहुत ही जल्द जो है रिसर्च मैथडोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस की मैं एमसीक्यू सीरीज़ लाने वाला हूं जिससे आप लोग की प्रिपरेशन हो और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस तरीके से डिज़ाइन करूं जिससे आ, सब कुछ इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए चाहे आप सी यू सी टी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो भी उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए मतलब उससे उससे उसमें भी थोड़ा सा क्या है कि मैथमेटिकल रीजनिंग और ये सब चीज़ें आ जाती हैं इंग्लिश वगैरह तो उसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और साथ ही साथ रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स की जो है अलग वीडियो में बनाने की सोच रहा हूँ जिससे आप लोग की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाए और आपका जो ड्रीम है वो आपका अचीव हो जाए तो so, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पूरी दे दी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप उसको देख सकते हैं पढ़ सकते हैं और ऑल दी वेरी बेस्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हो मैं आशा करता हूँ कि आपको तो यहाँ पे एडमिशन हो जाए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव ए वेरी नाइस डे अड